नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, विवादित पुलिस अफसर सचिन वाजे निलंबित हुए हैं। मुंबई पुलिस ने वाजे को सस्पेंड किया है, एनआईए की कस्टडी में है सचिन वाजे। 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में ही रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है एनआईए। इनोवा गाड़ी को लेकर भी जांच लगातार जारी है और कई पुलिसकर्मी भी शक के घेरे में हैं। आपको बता दें कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी गाड़ी खड़ी करने के मामले में एनआईए एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है। अब एनआईए के हाथे वो शख्स लग गया है जिसने इनोवा और स्कॉर्पियो के लिए नकली नंबर प्लेट बनाई थी। थाने में एनआईए नकली नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान पर पहुंची और दुकान मालिक से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं वाजे की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी आज हो सकती है। आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील सनी पूनमिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। जिसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट में जांच से संबंधित कागजात और सीसीटीवी की जानकारी रखते हुए कहा है कि एक बड़ी साजिश है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। शिवसेना के मौके पर सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया। सामना में पूछा गया कि इस केस में एनआईए जांच की जरूरत क्या थी। शिवसेना ने लिखा है कि केंद्रीय जांच दस्ते को ये नहीं होने देना था, उसने वाजे को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस दल का अपमान किया। ये सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। वाजे को गिरफ्तार करके दिखाया इसकी खुशी जो मना रहे हैं वो राज्य की स्वायत्तता पर आघात कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।